वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। जैसा कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब तक हमने 1 से लेकर 5 तक को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपका जूलॉजी का है, ठीक है, और आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक करके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले आप उनको देखिए जाके, फिर आप यहाँ पर आइए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले भी हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा है 5th क्वेश्चन में, उसके बाद हम 6th में भी एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है एंजाइम क्रिया की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। एंजाइम की जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है, उसका हमसे वर्णन पूछ रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या अथवा इसको इसी तरह से पूछ सकता है कि एंजाइम क्रिया के ताला एवं कुंजी तथा प्रेरित जोड़ सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। और कह रहे हैं एंजाइम सक्रियण ऊर्जा का भी वर्णन कीजिए। तो ये दो आपसे यहाँ पर दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रिया विधि का वर्णन और ताला एवं कुंजी तथा प्रेरित जोड़ सिद्धांत क्या है आपका, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्रिया विधि किस तरह से होती है एंजाइम की, और कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होती है, क्या क्या होता है। आंसर कह रहा है एंजाइम क्रिया की क्रिया विधि, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एक्शन। तो एंजाइम क्रिया की क्रिया विधि 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है, 2 पदों में ये जो है क्रिया वो पूरी होती है। कौन कौन से पद है, नंबर 1 क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट यानी कि जो आपका एंजाइम होगा प्लस जो आपका सबस्ट्रेट होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा तथा उत्पाद का निर्माण, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा, और उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, सक्रिय ऊर्जा, उसके बाद एंजाइम का करता है जो कि किसी क्रिया की दर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमें क्या पढ़ना है, एंजाइम सक्रिय ऊर्जा पढ़नी है, और उत्पाद का निर्माण किस तरह से होगा ये पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। कह रहे हैं इसे समझने के लिए 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमारे 2 सिद्धांत है। नंबर 1 क्या है आपका, ताला कुंजी सिद्धांत, क्या, लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है, लॉक एंड क्यू थ्योरी। दूसरा आपका इसी में आ जा, प्रेरित जोड़ सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। तो ये 2 सिद्धांत है जिससे आपको क्या मिलेगा समझने को, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण इन दोनों सिद्धांतों में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 ताला कुंजी सिद्धांत, ठीक है, की एंड लॉक थ्योरी। एक क्या होगा आपका, इसमें ताला होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, चाबी होगी, ठीक है, ताला चाबी, ठीक है। तो इनमें किस तरह की क्रिया होगी, एंजाइम अपना क्या रोल निभाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यह सिद्धांत ई फिशर, ठीक है, किसने दिया था, ई फिशर ने कब दिया था, 1894 में। सन याद रखना है, ये जो सिद्धांत था आपका ताला और चाबी का सिद्धांत या ताला कुंजी का सिद्धांत, ई फिशर ने 1894 में दिया था, ठीक है, कितने में दिया था, 1894 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं कि एंजाइम एवं सबस्ट्रेट में भौतिक संपर्क होना जरूरी है। जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक ये क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें एक विशिष्ट पदार्थ एक विशिष्ट एंजाइम के सक्रिय स्थल यानी कि एक्टिव साइट से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, इसमें एक विशिष्ट पदार्थ होता है कोई, जो कहा जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़कर क्या बनाएगा, एक विशिष्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, ठीक है। कैसे बनता है अभी हम देखेंगे। कह रहे हैं जो क्रियाधार के उत्पाद में बदल जाने पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यही क्या करता है, जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ये किस्म बदल जाएगा, क्रियाधार में बदल जाएगा, और उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अंत में टूट जाता है। यही जो आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है ये अंत में टूट जाता है और एंजाइम पुनः स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है।
एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो आपका बनता है वो अंत में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें कितने स्टेप हो रहे हैं, तीन स्टेप में ये रिएक्शन जो है पूरी हो रही है। फिर बाद में क्या होगा, आपका जो एंजाइम यानी कि जो एंजाइम पहले यूज हुआ था वो पुनः उसी वापस में क्या उसी अवस्था में आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपका बन जाएगा। ये आपका क्या है एंजाइम, और ये क्या है आपका सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार, क्या है क्रियाधार, ठीक है, यही क्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, इनका भौतिक संपर्क हो जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद अगली स्टेप में यही क्या कहलाएगा आपका, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाएगा, ठीक है, किस किस में टूट जाएगा, एक प्रोडक्ट बना लेगा और दूसरा क्या है एंजाइम को रिलीज कर देगा जैसा इसने यूज किया था ठीक उसी अवस्था में। इस सिद्धांत के अनुसार ताला एंजाइम के रचना सदृश जो आपका ताला होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, ताला किसकी तरह कार्य कर रहा है भाई, एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है। और इसका खांचा सक्रिय स्थलों के रचना सदृश होता है भी, ताले में जो आपका खांचा होता है मान लो कुछ इस तरह से, ये जो आपका ताले में खांचा होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, एक्टिव साइट की तरह कार्य करता है, ठीक है, सक्रिय स्थलों की तरह कार्य करता है, यहीं पर जाके आपकी रिएक्शन होती है, एंजाइम आपके आपका वहीं पे लगता है, ठीक है, सक्रिय साइट पे। कुंजी सबस्ट्रेट की रचना सदृश होती है, जो आपकी कुंजी होती है यानी कि चाबी होती है वो किसके समान होती है, वो आपकी कुछ इस तरह से होती है, जो कि किसकी तरह होती है ये, ठीक, ये क्या होगी आपकी कुंजी जो कि सबस्ट्रेट की रचना सदृश होती है, इसको हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के समान होती है। जिस प्रकार एक विशिष्ट चाबी से ही एक विशेष ताला खोला जा सकता है, उसी प्रकार एक विशेष सबस्ट्रेट पर ही विशेष एंजाइम सक्रिय होता है, ठीक है, क्या होता है एक विशिष्ट एंजाइम सक्रिय होता है, ठीक है, हर ताली से हर चाबी को नहीं खोला जा सकता है। तो यही कह रहा है कि जिस तरह से एक विशिष्ट ताले को एक विशिष्ट चाबी द्वारा ही खोला जाता है, उसी तरह से एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट सबस्ट्रेट से जाके जुड़ता है या सक्रिय होता है। यह सिद्धांत एंजाइम विशिष्टता की व्याख्या करता है और कह रहा है केवल विशिष्ट आकृति के सबस्ट्रेट अणु ही विशिष्ट आकृति के एंजाइम सक्रिय स्थलों पर ठीक तरह से बैठ जाते हैं, क्या हो जाते हैं ठीक तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है, कुछ सबस्ट्रेट अणु ही विशिष्ट आकृति के एंजाइम, जो विशिष्ट आकृति का आपका एंजाइम होगा उसके सक्रिय स्थलों पर जाकर ठीक से फिट हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एक्टिव साइट है और कौन सा आपका एंजाइम है। तो ये क्या है आपका सबस्ट्रेट है, क्या है सबस्ट्रेट, जिसको हमने क्या कहा था की कहा था, क्या कहा था, ये क्या है आपका एंजाइम है, ठीक है, जिसको क्या कहा था लॉग कहा था। अब देखो एंजाइम है ये, और एंजाइम में कुछ इस तरह से आपको परिवर्तन नजर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं एक्टिव साइट। ये जो आपके दोनों खांचे दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है। अब ये जो आपका सबस्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा एंट्रिंग एक्टिव साइट, ये वो साइट है जहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट क्या कर रहा है एंट्रिंग कर रहा है, ठीक है, या नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एक्टिव साइट थी वहां पर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट आकर वहां पर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका सेकंड स्टेप में बनता है ये क्या होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक सम्मिश्रण पोजीशन में है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट लीविंग एक्टिव साइट, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट जो आपका सबस्ट्रेट था की तरह कार्य कर रहा था वो क्या कर रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़ रहा है, क्या कर रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़ रहा है, और यहाँ पर आपका क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़ दिया और क्या बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया, मतलब कि ताला आपका खुल गया। पहले क्या करा आपने ताले में चाबी लगा दी, इसको घुमा दी, अब जो भी आपका ताला था वो खुल गया है, ठीक है, और आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम उसी अवस्था में वापस निकलेगा जिस अवस्था में कि ये यूज हुआ था, ठीक है, अभिक्रिया में। तो ये तो था आपका ताला चाबी सिद्धांत, और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यह सिद्धांत इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम
अपरिवर्तित रहता है, अपक्रिया होने के बाद एंजाइम उसी फॉर्म में वापस आ जाता है जिसमें कि पहले अपक्रिया में शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन आपका देखने को नहीं मिलता है। दूसरे अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, और जो आपका दूसरा अणु था ए को किस में बदल देता है, प्रोडक्ट में भी आपका बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है, लेकिन अपने आप में खुद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम सबस्ट्रेट का जुड़ना एंजाइम एवं सबस्ट्रेट की अणु संरचना के पारस्परिक जोड़ पर निर्भर करता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जिस स्थान पर मिलते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी पारस्परिक संरचना जोड़ पर निर्भर करता है, मतलब उनकी दोनों की जो जोड़ की संरचना है वो किस तरह की है। अगर समान है तब तो उसमें फिट हो जाएगा, मान लो ये क्या है आपका एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, अगर इस तरह का है इसमें फिट होने लायक है तो ठीक है, और अगर इसकी जगह पे अगर आपने कुछ इस तरह का बना दिया तो भाई ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये संरचना पर भी निर्भर करता है क्योंकि इसमें दो अणु भाग लेते हैं, ठीक है, एक क्या होगा सबस्ट्रेट और दूसरा एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बहुत ही अस्थिर होता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट, जो आपका एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कैसा होता है, बहुत ही अस्थिर होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है, ये जरा देर में आपका क्या हो सकता है, खुल सकता है, या एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट अलग हो सकते हैं। पैरा परंतु तुरंत ही अपघटित होकर अंतिम उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है ये तुरंत ही क्या होगा, अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा और एंजाइम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, जैसे कि एंजाइम पहले प्रयुक्त तो हुआ था आपका रिएक्शन में, एंजाइम को पुनः स्वतंत्र कर देता है, और एंजाइम को क्या कर देगा, पुनः स्वतंत्र कर देगा और क्या बना देगा, इसका उत्पाद भी बना देगा। कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनने के फलस्वरूप जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, मतलब एंजाइम ये आपका क्या हो गया एंजाइम, और इसमें क्या मिला दिया आपने, सबस्ट्रेट मिला दिया, ठीक है, तो ये जो मिश्रण बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण बनता है उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी यहाँ से रिलीज होती है क्रिया के दौरान, जो कि अणु का ऊर्जा स्तर बढ़ा देती है, क्या कर देती है, अणु के ऊर्जा स्तर को बढ़ा देती है, और इसी प्रकार से क्या होता है आपका सक्रियण अवस्था को प्रेरित करती है। अब वहां पर क्या होगी, जो ऊर्जा निकलेगी वही क्या करेगी, ऊर्जा स्तर बढ़ा देगी, किसका, अणु का, पूरा जो आपका अणु है उसके ऊर्जा स्तर को बढ़ा देती है, और क्या होगा, सक्रियण अवस्था को प्रेरित कर देती है। यहाँ पर अब जो आपका एंजाइम था उसकी सक्रिय एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वह तेजी से कार्य करने लगेगा। सक्रियण की इस अवस्था में क्रियाधार अणु के कुछ बंद विदलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस अवस्था में क्या होंगे, अब यहाँ पर ऐसी अवस्था आएगी जहां पर आपका बॉन्ड का फ्यूजन या बंद का टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस वाली स्टेप में। अब देखो यहाँ पर आपका एक पूरा प्रोसेस दे रखा है किस तरह से ताला और चाबी जो है, एक एंजाइम है, दूसरा क्या है आपका सबस्ट्रेट, तो हमने इसको मान लिया सबस्ट्रेट और चाबी को क्या मान लिया एंजाइम, एंजाइम, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, इसमें ये जो खांचे दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रुप्स नजर आ रही हैं, ये कुछ उसी तरह की हैं जिस तरह की ग्रुप्स आपको की में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तभी ये फिट हो जाएगा, इसकी संरचना पर भी निर्भर करता है, अगर इस तरह की है तब तो फिट हो जाएगा, अगर ये कुछ अलग है तो इसमें फिट नहीं होगा, ठीक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो ताली थी वो सबस्ट्रेट में जाके फिट हो गई, यानी कि चाबी ताले में जाके फिट हो गई, तो ये क्या बन गया आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कब है, एक ही बात। अब यहाँ पर क्या होगा, तुरंत कुछ समय बाद ही ये क्या कर देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, जिसमें आपका एंजाइम अलग निकल जाएगा और जो आपका सबस्ट्रेट था वो अलग निकल जाएगा, ठीक है, इसको हम दूसरे बी माध्यम से देखते हैं किस तरह से इसको समझाया गया। ये आपका अगर हम बात करें एंजाइम मॉलिक्यूल है, क्या है आपका, ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का अणु है, और ये क्या है आपके सबस्ट्रेट है, क्या है आपके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है।
अब एंजाइम और सबस्ट्रेट, इनका दोनों का भौतिक संपर्क होना बहुत जरूरी है। जब तक भौतिक संपर्क नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो आपका ए मान लो, इसको इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए की, तो क्या ए यहाँ पर आपका फिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की संरचनाओं में अंतर है। और इसकी बात करूं बी की, तो क्या बी यहाँ पर फिट हो सकता है? नहीं, क्योंकि इन दोनों की संरचनाओं में अंतर है, ठीक है। तो क्रिया होने के लिए दोनों की संरचनाओं पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। दोनों की संरचना अगर समान है तो क्रिया करेगा, वरना इनको चेंज करना पड़ेगा, स्थान चेंज करना पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पर जाएगा। और ये वाला कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये एक दूसरे के खांचे में जाके फिट होंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है आपका? एंजाइम पार्ट है, और ये दोनों क्या है आपके? सबस्ट्रेट है, ठीक है। क्या है? सबस्ट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें दोनों चीजों का मिश्रण है। इसके बाद क्या है, ये पोजीशन तुरंत ही क्या कर देती है, इसमें जो बॉन्ड बने हुए हैं, कि जिस बंध से इनको आपस में बांध रखा है एंजाइम सबस्ट्रेट, तो वो उन बंधों को तोड़ना शुरू हो जाता है। और तोड़ने के बाद क्या हो जाता है आपका? जो सबस्ट्रेट है वो अलग हो जाता है, और एंजाइम आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ से आपका एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट आपका अलग हो जाएगा, जो कि एक नया प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में, तो एंजाइम ने क्या करा? एंजाइम ने क्या करा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं था, लेकिन एंजाइम ने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया, और हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। पहले दोनों की स्थिति देखो कैसी थी, लेकिन अब दोनों की स्थिति कैसी है, जो हमें एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका की एंड लॉक, ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत। कह रहा है एंजाइम प्रेरित अभिक्रिया में एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण की उपस्थिति को कई प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। एंजाइम प्रेरित अभिक्रिया में एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण, यानी कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी उपस्थिति हम कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। नंबर एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण को सीधा देखा गया, ठीक है। किससे देखा गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा इसको सीधा देखा गया था, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट ई और एस सम्मिश्र को शुद्ध अवस्था में पृथक किया जा सकता है। इनको अलग अलग हम पृथक कर सकते हैं, एंजाइम को अलग और सबस्ट्रेट को अलग पृथक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है एंजाइम की भौतिक विशेषताएं, एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनने पर सामान्यतः परिवर्तित हो जाता है। भाई क्या हो जाता है? भौतिक विशेषताएं, एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनने पर सामान्यतः परिवर्तित हो जाता है। कौन? एंजाइम की भौतिक विशेषताएं हैं ये, ठीक है। फोर्थ कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र, जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, के बनने पर अनेक एंजाइम व सबस्ट्रेट की स्पेक्ट्रमी विशेषताएं परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी? स्पेक्ट्रो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स इनकी कैसी हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपका पहला था ताला चाबी सिद्धांत। दूसरा आपका क्या है? प्रेरित जोड़ सिद्धांत। क्या है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसमें थोड़ा रह गया है, जान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है? देखो, प्रेरित जोड़ सिद्धांत क्या कहता है? कह रहा है एंजाइम की क्रियाविधि को अधिक व्यवहारिक ढंग से समझने के लिए डी कौन थे आपके? डी कॉसलैंड। कौन थे? डी कॉसलैंड, जिन्होंने कब? 1958 में, ठीक है, फिशर के सिद्धांत को रूपांतरित किया था। किसके सिद्धांत को रूपांतरित किया था? फिशर के सिद्धांत को। और कौशल ने यह बताया कि एंजाइम के अणु अपनी वास्तविक या मूल आकृति, कौन सी? वास्तविक या मूल, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, जो मूल वास्तविक, ठीक है, जो मतलब अपनी प्राइमरी स्टेट में होती है जब तक वो रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो मूल या मूल आकृति संरचना को बनाए नहीं रखता, बल्कि सबस्ट्रेट के संपर्क में आने पर इसके सक्रिय स्थल में कुछ विन्यासी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। कुछ विन्यासी, उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है, कब? जब ये किसके संपर्क में आता है? बनाए नहीं रखता है, बल्कि सबस्ट्रेट के संपर्क में आने पर। कौन? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आपका किसके संपर्क में आएगा? सबस्ट्रेट के संपर्क में आएगा, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ऊपर देखा था हमने, सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से था आपका, जिसमें खांचे अलग अलग थे, और एंजाइम, सॉरी ये देख लो, ये
चलो इससे समझ लो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, ये हमने यहाँ पर रख दिया था, ठीक है, कुछ इस तरह से रखा हुआ था आपका ऊपर जो हमने देखा था, और इसी के साथ क्या था, कुछ इस तरह से आपका नीचे था। अब देखो इनके विन्यास में जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाएगा या उसके रिएक्शन करेगा तो इनके विन्यास में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, विन्यासी परिवर्तन हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर दो समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है, किसके, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर दो समूह होते हैं जिन्हें अवलंबन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवलंबन समूह कहते हैं, ठीक है, व ट्रेसिंग ग्रुप कहते हैं, और उत्प्रेरक समूह कहते हैं, तथा क्या कहते हैं, उत्प्रेरक और वटरिंग, ठीक है। तो ये आपका अगर हम एंजाइम की बात करें कुछ इस तरह से ये, ठीक है, तो ये दोनों मतलब आपके क्या होगा, दो समूह होंगे, ठीक है, किसके, एंजाइम के। तो एक को क्या कहते हैं हम अवलंबन समूह, और दूसरे को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक समूह कहते हैं, ठीक है। अवलंबन समूह सबस्ट्रेट को आधार प्रदान करता है, और उत्प्रेरक सबस्ट्रेट को उत्पादों में तोड़ने का कार्य करता है। तो अवलंबन का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को आधार प्रदान करना, और जबकि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को उत्पादों में तोड़ना, ठीक है। ये हेडिंग अच्छे से याद रखना है, ठीक है, सबस्ट्रेट अवलंबन का काम क्या होता है और तोड़ने का काम होता है। कह रहा है ये दोनों समूह अलग अलग लेकिन पास पास स्थित होते हैं, अलग अलग होंगे कैसे होंगे, लेकिन पास पास होंगे, ठीक है, इनकी संरचना डिफरेंट होगी और दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे। एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के दौरान सबस्ट्रेट अपने को अवलंबन समूह से जोड़ लेता है, किससे, अवलंबन, ठीक है, अवलंबन समूह से सबस्ट्रेट अपने आप को जोड़ लेगा, और तथा एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा वहां पर, एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण, ठीक है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। अब एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र जो बनेगा वो सक्रिय स्थल में विन्यासी परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन लाता है, ठीक है, जैसा कि वो था जब वो सक्रिय स्टेज में आएगा, एक्टिव स्टेज में आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा या विन्यासी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिससे उत्प्रेरक समूह सबस्ट्रेट के उस बंध के समान या सामने या निकट आ जाता है जिसको तोड़ा जाना है। यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक समूह सबस्ट्रेट के उस बंध के सामने आ जाएगा, कौन से बंध के, जिसको उसे तोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, तोड़ना है, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बना हुआ है। इस सिद्धांत की तुलना हम दस्ताना व हाथ के संबंध से कर सकते हैं, ठीक है, दस्ताना व हाथ के संबंध से कैसे करेंगे, कह रहा है एक ही दस्ताना अनेक मनुष्यों के हाथ में सही बैठ सकता है। मान लो एक कोई दस्ताना है वो कई व्यक्ति पहन सकते हैं लेकिन सभी के हाथ में कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन दूसरे शब्दों में दस्ताना अपने आप को उस मनुष्य के हाथों से तालमेल कर लेता है, ठीक है, अगर हाथ थोड़ा छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और हाथ थोड़ा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा तन जाएगा। तो इस तरह से दस्ताना अपने आप को क्या कर लेता है, मनुष्य के हाथों से तालमेल कर लेता है, उसके हाथ के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, कहने का मतलब है, कह रहा है जो इसको पहनता है, जो भी पहनेगा उसके हाथ में जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम में विन्यासी परिवर्तन पैदा कर देता है, कौन, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में विन्यासी परिवर्तन पैदा कर देता है, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट में दोनों क्या होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, जैसे कि हाथ अपना दस्ताना हाथ में फिट हो रहा है, ठीक है। कह रहा उत्प्रेरक समूह सबस्ट्रेट बंध पर दबाव पैदा करता है। अब जो आपका कैटलिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो आपका जो सबस्ट्रेट बंध होता है उस पर एक दबाव पैदा करता है, और क्या कर देता है, उस बंध को तोड़ देता है, या बंध कहने का मतलब टूट जाता है, जिससे बंध आपका टूट जाता है और उत्पाद बन जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बंध टूट जाता है और उत्पाद आपका बन जाता है, किसके कारण, उत्प्रेरक के कारण। अब यहाँ पर देख लो ये क्या है आपका, बट्रेसिंग साइट, क्या है आपका, बट्रेसिंग साइट, जिसे अवलंबन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवलंबन, तो ये आपकी अवलंबन साइट है, और ये आपका क्या है, कैटेलिटिक साइट, ठीक है, उत्प्रेरक साइट, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक साइट है। अब देखो जो नीचे वाली साइट है इसको क्या कह दिया इनने, बट्रेसिंग साइट, ठीक है, जिसको क्या कहा, अवलंबन। ऊपर वाली जो साइट है इसको क्या कह दिया, उत्प्रेरक साइट, ठीक है, ये किसकी साइट है, उत्प्रेरक। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, कोई सबस्ट्रेट है,
इस तरह से बना हुआ है, ठीक उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह से आपका एंजाइम में खांचे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे को फिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करा था, कोई दस्ताना लिया था जो अनेक मनुष्यों के हाथ में अपने आप को फिट बैठा रहा था, एडजस्ट कर रहा था, उसी तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या कर लेगा, अपने अंदर फिट कर लेगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, मान लीजिए अब क्या है, अब ये दोनों क्रिया करने जा रहे हैं, अब क्या होगा, ये इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिव साइट इंड्यूस्ड टू फिट द सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट, ठीक है, ये कौन सी है, एक्टिव साइट है आपकी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय साइट कहते हैं, इंड्यूस्ड टू फिट द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए उत्प्रेरित है, ठीक है, कहती हैं उत्प्रेरित है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और रह गया है, एंजाइम की सक्रियण ऊर्जा क्या है, एंजाइम क्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, क्या है, एंजाइम क्रिया की सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा से एंजाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें तो कह रहे हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं को अक्रियशील अवस्था से अभिक्रियशील अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो भाई ये कौन सी ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अणुओं को अक्रियशील अवस्था से सक्रियशील अक्रियशील अवस्था से अभिक्रियशील यानी कि क्रियाशील अवस्था में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये ऊर्जा देने पर कोई भी अभिकारक जो क्रिया न करता होगा वो क्रिया करने लगेगा, कब, जब सक्रिय ऊर्जा उसको प्रदान की जाएगी, कुछ ऊर्जा प्रदान की जाएगी, तो वही क्या कहलाती है आपकी, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। सामान्यता कह रहा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों या रिएक्टेंट्स अथवा सबस्ट्रेट, ठीक है, जो क्रियाकारक होते हैं रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या सबस्ट्रेट कहते हैं, के अणुओं में अंतर्निहित ऊर्जा अवरोध उपस्थित होता है। भाई अगर आप किसी को कहते ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो इसको उपक्रिया कराने के लिए इसमें कुछ अंतर्निहित ऊर्जा होती है, ठीक है, अंतर्निहित ऊर्जा अवरोध उपस्थित होती है जो कि रिएक्शन करवाने पर क्या करती है, वो विरोध करती है, जिसके कारण अक्रियशील अवस्था में रहते हैं, किसमें रहते हैं, अक्रियशील अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर अंतर्निहित ऊर्जा विरोध होती है, ठीक है, उपस्थित होता है, जिसके कारण ये अक्रियशील अवस्था में होते हैं। अब देखो इसका विरोध करने के जो ऊर्जा है इसमें अंतर्निहित, उससे कुछ ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब क्या कर रहा है, इन अणुओं को अभिक्रियाशील या क्रियात्मक अवस्था में लाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इस अंतर्निहित ऊर्जा अवरोध को दूर किया जा सकता है। इसमें जो अंतर्निहित ऊर्जा है अणु में, उसको दूर करने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे इसकी अंतर्निहित ऊर्जा खत्म हो जाएगी या ये उसको क्या कर देगी, इनएक्टिव कर देगी। अब ये रासायनिक अणु अभिक्रिया में भाग लेने लगेगा, अब क्या करने लगेगा, ये अभिक्रिया में भाग लेने लगेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और है, कह रहा है एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में सबस्ट्रेट अणु अंतिम उत्पाद में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाकारक या उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहाँ पहुंच जाता है, अंतिम उत्पाद क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। ये क्या है आपका, क्रियाकारक, और ये क्या आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या आपका क्रियाकारक या सबस्ट्रेट कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। रूपांतरित होने से पहले एक या अनेक स्थायी माध्यमिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो कह रहा कि इसको प्रोडक्ट में जाने से पहले एक या उससे अनेक स्थायी अस्थायी माध्यमिक यौगिकों में बदल जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या पढ़ा था, तो इससे पहले ये कहा जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ई और एस बनाएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रायः प्रारंभिक सबस्ट्रेट अणु की अपेक्षा उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं, कहाँ होते हैं, हाई एनर्जी लेवल पर ये होते हैं। आपके कह रहा है जब तक अभिक्रिया को अतिरिक्त ऊर्जा ना मिले माध्यमिक यौगिक प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। जब तक हम इसको और ज़्यादा ऊर्जा नहीं देंगे तब तक हमारे इंटरमीडिएट बनने की संभावना बहुत कम रहती है, मतलब कि इंटरमीडिएट बहुत कम ना के बराबर बनेगा, ठीक है, जब तक हम इसको बाह्य ऊर्जा ना देंगे, ठीक है।
रहा है सभी सभी अभिक्रियाओं में प्रारंभिक सबस्ट्रेट अणु के सक्रियण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे भी उत्पाद में रूपांतरित हो सके। तो क्या कह रहा है, प्रारंभ में जितनी आपकी अभिक्रियाएं हैं सभी अभिक्रियाओं में सबस्ट्रेट को, जो आपका सबस्ट्रेट का अणु है, उसको सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, वो उत्पाद में आपका रूपांतरित हो जाएगा या बदल जाएगा। यह ऊर्जा किसी अन्य बाहरी स्रोत से प्राप्त होती है, यही अभिक्रिया किसी भी एंजाइम द्वारा प्रेरित होती है, ठीक है, किसी भी एंजाइम द्वारा यह अभिक्रिया हो सकती है, तो उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई एंजाइम हम उसमें डाल दें, वो क्रिया आपकी हो जाए, तो कहने का मतलब है उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। जो आपका सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, उसको जितनी ज़्यादा सक्रिय ऊर्जा चाहिए, उसको क्या कर देता है आपका एंजाइम, उस सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, ठीक है, अभिकारक या सबस्ट्रेट की। अर्थात एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में एक एंजाइम का एक महत्वपूर्ण कार्य अभिक्रिया के आरंभ होने के लिए भी आवश्यक सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो अभिक्रियाएं हैं उनमें एंजाइम का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि वो क्या करती है, अभिक्रियाओं के आरंभ होने के लिए सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिक्रिया को आरंभ होने के लिए सक्रिय ऊर्जा कम कर देते हैं और अभिक्रिया आपकी आराम से होने लगती है, जिसके फलस्वरूप माध्यम में अधिकांश अणु सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप माध्यम में अधिकांश अणु कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और अणुओं के बीच अधिक रासायनिक संयोजन होता है, ठीक है, अधिक रासायनिक संयोजन आपका, केमिकल कॉम्बिनेशन आपका ज्यादा होगा, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में। के बाद कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा में अंतर, सक्रिय ऊर्जा में अंतर कई यौगिकों में पाया जाता है, कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के विघटन के लिए उत्प्रेरक या एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा कितनी होगी, 18 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि किसी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की उपस्थिति में यह केवल कितनी रह जाती है आपकी, 11.7 रह जाती है। अभी आपका जो क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसके विघटन के लिए आप चाहे उत्प्रेरक ले लो या एंजाइम ले लो, इसकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इसकी अनुपस्थिति में, यहाँ पर मान लो कोई आपका ये लो H2O2 ले लो, ठीक है, H2O2 इसका हमें क्या करना है, विघटन करना है, इसको तोड़ना है, तो हमने अगर इसमें एंजाइम नहीं लिया, ना ही कोई उत्प्रेरक लिया, तो इसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 18 किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है, कितनी, 18 किलो कैलोरी प्रति मोल। और कह रहा है कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहीं पर कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 11.7 किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है, कितनी, 11.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। और अगर आपने क्या ले लिया, कैटलेज, ठीक है, कैटलेज एंजाइम ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये कैटलेज एंजाइम इसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देगा और इसका अपघटन जल्दी से कर देगा, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ कुल मिला के कितनी, 6.4 किलो कैलोरी प्रति मोल, ठीक है, 6.4। देखो जब एंजाइम नहीं था तो कितनी आवश्यकता पड़ रही थी H2O2 के विघटन के लिए, 18.18 किलो कैलोरी। जब हमने क्या करा, कोई एंजाइम ले लिया तो कितनी, 11.7 किलो कैलोरी। और हमने एंजाइम लिया लेकिन वो कौन सा था, कैटलेज था, क्या था, कैटलेज, तो कितनी जरूरत पड़ी हमें, 6.4 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, ठीक है। तो भाई किसी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए सबस्ट्रेट को जो ऊर्जा दी जाती है वो कौन देता है, एंजाइम या कैटलिस्ट, जिससे कि आपकी अभिक्रिया जल्दी से हो जाए, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि इधर को क्या है आपकी, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ऊपर को क्या है आपका, फ्री एनर्जी है, ठीक है, क्या है आपकी, फ्री एनर्जी है। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी की एक लाइन है, क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी की एक लाइन है, और ये भी, ये क्या है आपका, ये भी आपकी एक लाइन है, जो क्या दर्शा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, एंजाइम है, ठीक है, क्या है, ओ रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है, इसको क्रिया करके कहाँ पहुँचना है, प्रोडक्ट में, यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, मान लो
यहां तक पहुंचना, आर को कहां पहुंचना, प्रोडक्ट बनाना है। तो आर को प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें आर को जो आपका रिएक्टेंट है इसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी ये कहाँ पहुंचेगा, प्रोडक्ट में पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाला जो कर्व है ये प्रोडक्ट में बन रहा है। कब बन रहा है, कम ऊर्जा पर। किस पे बन रहा है, कम ऊर्जा देने पर। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कुछ आपको एक दूसरा और कर्व दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, ये अधिक ऊर्जा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है। तो यहाँ से पहले यहाँ इतनी एनर्जी पे ये रिएक्शन कर रहा है, और दूसरा कितने पे कर रहा है, इतने पे कर रहा है, जो कि ज़्यादा है। अब ये कम एनर्जी पे रिएक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है आपका एंजाइम है। क्या है, रिएक्टेंट के साथ में हमने क्या मिला दिया, एंजाइम मिला दिया भाई। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्रिय ऊर्जा कितनी है, कुल इतनी सी है। अगर हम क्या करें, इसमें एंजाइम न डालें, एंजाइम अगर नहीं होगा रिएक्टेंट के पास में, तो इसको बहुत ज़्यादा सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विद विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत सारी ये एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण है, ये एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण है। जब तक एंजाइम नहीं दोगे तब तक इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। एंजाइम डालते ही कम, बहुत ही कम एनर्जी पर रिएक्शन कर देगा और हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम है। क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम है, क्योंकि जो एनर्जी थी रिएक्टेंट की वो क्रिया होने में ही खत्म होगी। जब प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और ये एनर्जी कहाँ आ जाएगी आपकी, रिएक्टेंट से कम आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये आपका क्या था, एक ग्राफ था या चित्र था। नेक्स्ट कह रहे हैं एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंजाइम की मात्रा बढ़ने पर क्रिया की दर बढ़ती है। जैसे जैसे आप एंजाइम की मात्रा बढ़ाओगे, ठीक है, एंजाइम की मात्रा बढ़ाओगे तो क्रिया की दर भी आपकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कह रहा है सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ने पर क्रिया की दर बढ़ती है। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट को बढ़ाओगे वैसे ही आपकी क्रिया की मात्रा, क्रिया की दर जो है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। कह रहा ताप बढ़ने पर क्रिया की दर बढ़ती है। जैसे जैसे आप हीट करोगे, ताप दोगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा आपका, क्रिया की दर बढ़ जाएगी। संबंधक फोर कह रहा, संबंधक इनहिबिटर या अवरोधक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अवरोधक, जो क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें अवरोधक कहते हैं, ठीक है, की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। क्या हो जाता है, इनहिबिटर्स की उपस्थिति में जो आपकी रिएक्शन है उसकी दर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बहुत देर में कंप्लीट होगी। कह रहा है जब संबंधक की संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती होती है तो ये संबंधक एंजाइम से क्रिया स्थल पर व्यवस्थित होकर एंजाइम संबंधक मिश्रण बनाता है। अभी क्या बना लेगा, एंजाइम संबंधक मिश्रण बना लेगा, एंजाइम ही मिश्रण बना लेगा। अब कह रहा तथा एंजाइम की क्रियाधार से क्रिया नहीं करने देते। अब भी जो एंजाइम है उसकी क्रियाधार से क्रिया नहीं होने देता एंजाइम, ठीक है, संबंधक ही पहुंच जाता है एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये मैं बता दूं, यहाँ पर ये एंजाइम संबंधक मिश्रण, यानी कि आपका एंजाइम होगा प्लस क्या होगा, इनहिबिटर, इन HIBITOR, इनहिबिटर ही एंजाइम के साथ में मिल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, इसका कॉम्प्लेक्स बना लेगा भाई। इनहिबिटर्स ही मिल गया जाके, इसने सबस्ट्रेट को आने ही नहीं दिया तो क्या ये क्रिया करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, जिससे एंजाइम को क्रियाधार से क्रिया नहीं करने देता। कौन, इनहिबिटर। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, एंजाइम प्लस क्रियाधार आपका सबस्ट्रेट, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, यहाँ पर इनहिबिटर्स या बाधक आ गया। क्या आ गया, बाधक आ गया, जो कि आपका कहाँ मिल गया जाके, एंजाइम से मिल गया, जिसने क्या कर दिया, आपका जो सबस्ट्रेट था उसके साथ में एंजाइम का कॉम्बिनेशन नहीं होने दिया, ठीक है, जिससे वास्तविक अभिक्रिया क्या हो जाती, रुक जाती है। जो एक्चुअल आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कौन रोक देगा, बाधक रोक देगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट आपका, बाधक भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, या एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखो एक आपका ये फाइनल एग्जाम्पल दे रखा है जो हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है आपका एंजाइम, और ये क्या है आपका इनहिबिटर, जिसे हम कहते हैं बाधक, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, बाधक। अब जो एंजाइम है आपका उसका सम्मिश्रण किसके साथ होना चाहिए था, सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट के साथ में, एंजाइम को किसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी, सबस्ट्रेट के साथ में, और इसका कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था, क्या बनाना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन सबस्ट्रेट से पहले ही आपका इनहिबिटर आ गया, क्या आ गया, अवरोधक आ गया, जो कहाँ पहुंच जाएगा, जो आपके एंजाइम की एक्टिव साइट है उनमें पहले से ही जाके अटैच हो जाएगा, जहां पर आपका सबस्ट्रेट को अटैच होना चाहिए था, जब ये आपका यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट को अटैक करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो ये क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, क्या, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और आपका जो सबस्ट्रेट है वो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, वो क्रिया नहीं करेगा, और ये क्रिया क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रिया आपकी रुक जाएगी, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट भी इसमें बन जाएगा, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये आपका इनहिबिटर है, ठीक है, क्या है, इनहिबिटर, इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट तो आपका बाहर है, ठीक है, ये सब इनहिबिटर दोनों इसमें अंदर चले गए, और ये रिएक्शन, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी आपकी, ठीक है, तो कह रहा है रिएक्शन हिंडर्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एक्टिव साइड, एक्टिव साइड ब्लॉक होने के कारण ही ये रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, रुक जाती है, इसकी जो सक्रिय साइट है वो कैसी होगी, ब्लॉक हो गई, किसने कर दी, इनहिबिटर ने ब्लॉक कर दी, अब ये जो आपका एक्टिव होगा सबस्ट्रेट वो क्या करेगा, यहाँ पर नहीं जा पाएगा, ठीक है, साइट पहले से ब्लॉक है तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है, ये रुक जाएगी, वैसे बनना चाहिए था, अगर बनेगा तो इसको अगर डार्क कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बनना चाहिए था आपका, कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट बनना चाहिए था, ठीक है, एंजाइम के साथ क्या होना चाहिए था, सबस्ट्रेट होना चाहिए था, इसको डार्क कर लो, ये क्या आपका सबस्ट्रेट है, ये क्या आपका एंजाइम, ये होना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है, रिएक्शन हिंडर्ड हो जाती है, उसकी साइड ब्लॉक कर देता है कौन, बाधक, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अभी जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, एंजाइम की क्रियाविधि क्रिया का वर्णन, एंजाइम की क्रियाविधि क्रिया का वर्णन, उसकी जो क्रियाविधि होती है उसको आपको करके बताना है कि क्रिया किस तरह से होती है, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सबसे पहले क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है, और इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पर अगर आप जाओगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारी PDF फॉर्म मिल जाएंगी, ठीक है, और प्ले लिस्ट भी मिल जाएंगी, वीडियो की प्ले लिस्ट भी आपको वीडियो की मिल जाएगी, और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, जब आप सर्च करोगे www.paperhacker.in, गूगल नहीं करना, paperhacker.in करना है, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, दो तीन बार इसको देख लेना, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रही है हमारे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द